के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। भ्रष्ट राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हाय, 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 हाय। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हाय, 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 हाय। पैदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके घोटाले की जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ। बीपीएल कैटेगरी से गरीब परिवारों के नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन कार्ड से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन कार्ड के नाम पर गरीब लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन की काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट कसूर के राजनीति जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ। बीपीएल कैटेगरी से गरीब परिवारों के नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब लोगों को उनके राशन कार्ड से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन मौजूदा सरकार में जिस तरीके से गरीबों का शोषण किया जा रहा है, उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और राशन कार्ड बनाने में भारी घोटाले जो हैं वो देखे जा रहे हैं, इसी संदर्भ में आज पैंथर्स पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने जो है वो हिस्सा लिया है और बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं और दूसरे हैं जो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि राशन कार्ड बीपीएल कैटेगरी के खासतौर पर बनाने में भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो बीपीएल कैटेगरी के लोग थे उनको बीपीएल कैटेगरी से आर्बिट्रेरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। जो बड़े बड़े शाहूकार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको बीपीएल में रखा गया है और जो सही मायने में गरीब हैं उनके बीपीएल काट दिए गए हैं। ये पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हो रहा है और गरीब आदमी को जिस तरीके से अपने अधिकारों से वंचित किया गया है उसी के विरोध में जो है आज का प्रदर्शन हमने रखा हुआ है। जो राशन कार्ड बनाए, पहले भी इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा शिकायतें आती रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की निशानदेही भी हुई है, लेकिन इस भ्रष्ट प्रशासन के चलते कोई भी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई है जिन्होंने राशन में घोटाला किया है और इन गरीब लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि इन गरीबों के साथ जुल्म पैंथर्स पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इनकी लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ पैंथर्स पार्टी लड़ेगी। और जिस तरीके से ये घोटाला किया गया है बीपीएल का, इसमें जो है जल्द से जल्द अगर जांच नहीं होती तो यह प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय के ऊपर होंगे और तहसील मुख्यालय के ऊपर होंगे और उसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरे तरीके से जिम्मेदार होगा।